और वहीं एक और बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूरोप के सबसे बड़े डिजिटल और स्टार्टअप कार्यक्रम वीवा टेक में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी शाम 4 बजे कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीवाटेक के 5वें संस्करण को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी को मुख्य भाषण देने के लिए चीफ गेस्ट के तौर पर आमंत्रित किया गया है। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी के अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन, स्पेन के प्रधानमंत्री और कई यूरोपीय देशों के मंत्री और सांसद शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में एप्पल के सीईओ टिम कुक, फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग और माइक्रोसॉफ्ट के प्रेसिडेंट ब्रेट स्मिथ जैसे दिग्गज कॉर्पोरेट के लोग भी शामिल होंगे। वीवाटेक स्टार्टअप और लीडर्स के लिए इनोवेशन का जश्न मनाने की एक जगह है। यह संयुक्त रूप से पब्लिसिस ग्रुप की ओर से आयोजित किया जाता है। यह आयोजन प्रौद्योगिकी, इनोवेशन, स्टार्टअप इकोसिस्टम के स्टेट होल्डर को एक साथ लाता है और इसमें प्रदर्शनियां, पुरस्कार, पैनल चर्चा और स्टार्टअप प्रतियोगिताएं शामिल हैं। वीवाटेक यूरोप का सबसे बड़ा डिजिटल और स्टार्टअप कार्यक्रम है और 2016 से हर साल पेरिस में इसका आयोजन किया जाता है। विज्ञापन और मार्केटिंग जगत की प्रमुख कंपनियां पब्लिसिस ग्रुप और फ्रांस के अग्रणी मीडिया समूह लेस इकोस की ओर से संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया जाता है। इसके 5वें संस्करण का आयोजन 16 से 19 जून के बीच पेरिस में हो रहा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर समाजवादी पार्टी के नेता अनुराग भदौरिया ने बड़ा बयान दिया। भदौरिया ने सीएम योगी पर सवाल खड़े कर दिए हैं तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भदौरिया के आरोप पर जवाब दिया। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात मानी जाए तो इस बार जो चुनाव होने जा रहा है उसमें आदित्य योगीनाथ जी को वो सीएम का चेहरा नहीं बनाने वाले, क्योंकि उन्हें पता है कि 4.5 साल तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी ने कोई काम नहीं किया है, इसलिए तो उनको चेहरा नहीं बनाना चाहते। कोई काम किया होता तो शायद उनके चेहरे पे चुनाव हो रहा होता। ये बात उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी कह रहे हैं कि चुनाव जो सीएम का होगा वो विधायक दल के नेता चुनेंगे, विधायक दल के नेता तो चुनाव के बाद चुनते हैं। इसके मतलब उत्तर प्रदेश की बीजेपी में और दिल्ली की बीजेपी में सब ठीक नहीं चल रहा है। विपक्ष अफवाह फैलाता है, झूठ बोलता है और उनको लगता है कि उनकी विजय हो गई है। या अब मैं यह मानता हूं कि ये अब 2 जुलाई से तक में मतदान हो जाएगा। न घोड़ा दूर है न मैदान दूर है, सब सामने आ जाएगा ये कितने पानी में है। और मुख्यमंत्री कौन होगा, अध्यक्ष कौन होगा, सदा से ये भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व तय करता है और केंद्रीय नेतृत्व जो भी तय करता है उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी उसका पालन करती है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।